हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुप्रिया और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हरी मिर्चों को स्टोर करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। कभी कभी घर में हरी मिर्चें ज्यादा आ जाती हैं, तो उन्हें स्टोर कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हरी मिर्चों को लेके अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और उसके बाद किसी एक कपड़े में ऐसे कॉटन का कपड़ा लेना है और फिर इन्हें फैला के रख देना है आधे से एक घंटे के लिए फैन के नीचे, जिससे कि इनका जितना भी पानी है वो सारा उड़ जाए। जब मिर्चों से पानी बहुत अच्छे तरीके से सूख जाएगा तब फिर हमें एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसमें इस तरह से टिश्यू पेपर लेके इसके नीचे बॉटम में डाल देना है और जितनी भी हमारी मिर्च है इनका डंठल तोड़ करके, ये देखिए इस तरह से डंठल तोड़ना है और इसमें डालते जाना है। अगर कोई भी मिर्च सड़ी है या सूखी हुई है तो उसे हमें निकाल देना, क्योंकि एक सड़ी मिर्च सारी हमारी मिर्चों को सड़ा देगी। ये देखिए मैंने सारी मिर्चें इसमें डाल ली हैं। अब उसके बाद हमें एक दूसरा टिश्यू पेपर लेना है, उसे इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लेना है, आप देख लो इसके साइज का कर लेना है और इसे ऊपर से अच्छे तरीके से हमें कवर कर देना है और एयर टाइट कंटेनर ही यूज करना है। उसके बाद इसकी लिड लगा के आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने से 15 से 20 दिनों तक हमारी हरी मिर्चें जो होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश रहती हैं, वो सड़ती नहीं है। टिश्यू पेपर के स्थान पर आप कोई अच्छा कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं या तो आप चाहें तो फिर न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको खोलते हो और आपको मॉइस्चर दिखता है तो आप टिश्यू पेपर चेंज कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।